नमस्कार दोस्तों, मेंस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्णमाला से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने शामिल किया है। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि वर्णमाला से संबंधित है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ध्यान रखें आप सभी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। प्रश्न क्या पूछा है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। ठीक है, ऑप्शन में शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण दे रखा है, लेकिन हमें इसका जो करेक्ट आंसर है वो बताना है कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, क्योंकि साथियों वर्ण से शब्द बनते हैं, उसके बाद में शब्द से पद बनते हैं और पदों से वाक्य बनते हैं। इसीलिए वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, इनका सीक्वेंस रहता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। ठीक है, हिंदी में जो मूलतः कितने वर्ण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 46। हिंदी में 46 वर्ण हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। आपको उन ध्वनियों का नाम बताना है कि जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। तो जो स्वर हैं साथियों, वो स्वतंत्र रूप से बोले या लिखे जाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखें आप, क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है। जो संयुक्त है उनको छोड़कर, संयुक्त वर्ण है उनको छोड़कर, हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने बताए गए हैं। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 44। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, स्वर किसे कहते हैं। प्रश्न ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखें स्वर किसे कहते हैं। साथियों जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगर प्रश्न आया स्वर किसे कहते हैं, तब आप उसमें बताएंगे कि जिनका उच्चारण बिना अवरोध, मतलब कि बिना रुकावट के अगर हो रहा है तो उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अब अग्र स्वर कौन सा नहीं है ये आपको इसमें बताना है। तो साथियों इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब अग्र स्वर नहीं है, नहीं है ये बताना है। अब अग्र स्वर हैं ये भी देखें आप, जैसे छोटी ई, ए और आई, ये अग्र स्वर हैं। अब अग्र स्वर कितने हैं, तो आप उसमें बताएंगे कि 4 हैं, एक तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, ये है अग्र स्वर। और जो ये आ दे रखा है, जो छोटा आ जिसे हम अनार का भी बोलते हैं, ये साथियों मध्य स्वर है। कौन सा स्वर है, ये मध्य स्वर है, आ मध्य स्वर है। इसके बाद में 7वां प्रश्न देखें, हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार हैं। हिंदी में जो स्वरों के प्रकार हैं वो कितने हैं, तो हिंदी में स्वरों के प्रकार 3 हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो उसमें आप बताएंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। 7वां प्रश्न क्या बता रहा है कि स्वरों के कितने प्रकार हैं, तो आप उसमें बताएंगे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अम और अहा क्या है। हिंदी वर्णमाला में साथियों इस प्रश्न को गौर करें, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है अम और अहा क्या है। वैसे भी अलग अलग भी पूछा गया है ये। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवाह या संयुक्त अक्षर, मतलब जिसे संयुक्त अक्षर बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट है ये होगा अयोगवाह। साथियों अम और अहा अयोगवाह कहलाते हैं। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन देखें, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से, कौन से स्वर से, दीर्घ स्वर से। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, 3 प्रकार के हैं, लेकिन इस प्रश्न में बताया है दीर्घ के बारे में कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा लगता है समय, उसे हम क्या कहते हैं। तो साथियों उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे कि हम बता सकते हैं ओम, जब हम ओम बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दीर्घ स्वर से भी जो ज़्यादा का समय लगता है, ठीक है, दीर्घ स्वर से ज़्यादा का समय लगता है, इसलिए इसे क्या बोला गया है, इसे
प्लुत स्वर कहा गया है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। 10वां प्रश्न ध्यानपूर्वक देखें, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। अब देखें स्वर, देखें पहले तो आ भी स्वर है, उ भी स्वर है और ये ए, ये भी स्वर है, लेकिन प्रश्न क्या बता रहा है कि नहीं है वो बताना है। तो ये इया जो दे रखा है ये स्वर नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। अब इस प्रश्न में साथियों आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि इसमें बताया क्या गया है, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार आपको ध्यान रखना है स्वरों के कितने भेद हैं। वैसे तो स्वरों के तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये तो आपको याद रखना है। लेकिन अगर आया कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति अगर आ गई तो आप उसमें बताएंगे कि तीन भेद हैं, ठीक है। जीभ की स्थिति के अनुसार भी तीन भेद होते हैं। अब जीभ की स्थिति के अनुसार तीन भेद हैं कौन कौन से, तो उसमें आता है एक तो अग्र स्वर, उसके बाद में मध्य स्वर और उसके बाद में पश्च स्वर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। क्योंकि अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर ये जो तीनों जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के भेद होते हैं। किसके भेद होते हैं? स्वरों के भेद होते हैं। अब 12वां प्रश्न देखें, वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती क्या कहलाती है। साथियों जो स्वरों की सहायता से उच्चारित नहीं हो सकती वह कहलाती है व्यंजन, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है, इसका करेक्ट आंसर बताएं। साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छा। जो छा छतरी वाला छा है ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। 14वां क्वेश्चन देखें, हिंदी वर्णमाला के अंतिम मतलब आखिरी जो पंचमाक्षर हैं उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुनासिक। क्या है वो? अनुनासिक है, ठीक है। इसके बाद में 15वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। अब जो वा व्यंजन है ये, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है दंतोष्ठ, ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ दोनों से ये उच्चारित होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या है? तो या, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। या, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। शा, सट, सा और हा ये किस प्रकार के व्यंजन है? तो इसका जो करेक्ट है वो है ऊष्म व्यंजन है। ये कौन से व्यंजन है? शा शक्कर वाला और सा षटकोण वाला, सा सरोता वाला और हा हल वाला, ये है ऊष्म व्यंजन है साथियों। इसके बाद में 18वां क्वेश्चन देखें, उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो ये अड़ा और अड़ा उत्क्षिप्त व्यंजन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञा किन वर्णों के संयोग से बना है। जो ज्ञा ज्ञानी वाला ज्ञा होता है ये किन वर्णों के योग से बनता है, किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो वो बनता है जा और इया से बनकर कंप्लीट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लियर होगा। अब इसमें एक ध्यान रखना है कि जो जा इसमें नीचे हलंत लगता है और उसके बाद में आता है इया, तब जाकर ज्ञा बन जाता है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में 33 व्यंजन है। कितने व्यंजन है हिंदी में? 33। तो सी वाला हमारा करेक्ट होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
धन्यवाद।